तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही धमाकेदार रेसिपी। आज हम बहुत ही कम समय में कम चीज़ों से बनाएंगे जूसी चिकन फ्राई। तो इसको तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। आप चाहो तो विद बोन, बोनलेस कोई भी चिकन ले सकते हो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, जिससे मैंने 3 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया है। साथ ही 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है। अब हमें क्या करना है, सूखे मसाले ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ, साथ ही गरम मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही थोड़ा सी रेड चिली पाउडर। और रेड चिली पाउडर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, इसका इस्तेमाल इसलिए मैंने कम किया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी, और टेस्ट के हिसाब से नमक भी लेना है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लीजिए। अब क्या करना है, आधा नींबू का टुकड़ा, इसमें रस उसका डाल देना है स्क्वीज करके। इससे क्या होगा, चिकन हमारा गल जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी फ्राई होगा, अंदर तक का जूसी हो जाएगा, जूसी फ्राई होगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज कलर का है। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास ये कलर भी नहीं है तो आप रेड चिली, जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कलर मैं 2 पिंच ले रही हूँ, परफेक्ट है ये ऑरेंज करने के लिए। चिकन हमारा बहुत ही बढ़िया सी मिक्स कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, फटाफट से इसको मिक्स करेंगे और 1/2 घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कम मसालों में बनेगा, तो देखिए बढ़िया सी कम मसालों में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं हम। तो अब इसको 1/2 घंटे के बाद देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया सी हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। अब क्या करना है, इसको हमें फ्राई करना है। तो चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा तेल बहुत ही बढ़िया गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे, चिकन के पीसेस हमें इसमें डालते जाना है। अगर आप एक साथ जितनी चाहे फ्राई कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कढ़ाई छोटी है या बड़ी है, वो हिसाब से आप चिकन के पीसेस को फ्राई कर सकते हो। तो ये एक बार अगर आपने पीसेस डाल दिए तो पूरा फ्राई होने के लिए टोटल 5 मिनट लगेगा। अब इसको हमें फ्राई होने देना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक का ये पक जाए। तो देखिए 5 मिनट में हमारा जो चिकन का कलर है कितना बढ़िया आया है, और बहुत ही बढ़िया सी फ्राई हुआ है। इसको थोड़ा सी और फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ये बहुत ही बढ़िया फ्राई होगा और जूसी होगा और गल भी जाएगा, पक भी जाएगा। तो देखिए 1 मिनट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया सी लग रहा है हमारा चिकन फ्राई। कुछ ही मसालों से बनकर तैयार होगा, कोई कहेगा नहीं कि ये घर पर आपने कम चीज़ों से कम समय में बनाया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से, और सारे जो चिकन के पीसेस है उसको मैं इसी तरह से तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था, कम चीज़ों से और कम समय में बनकर तैयार होगा, वो हिसाब से आप ये चिकन को देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिए हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों, झटपट से बन गया है और कितना जूसी लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमने घर पर कम समय में कम चीज़ों से बनाया है। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर